प्रधानमंत्री जी तो हमारे बाप समान है, हमारे इस पूरे देश के अब्बा है। तो अब्बा जी अपने मन की बात बोलेंगे, बच्चों की बात नहीं सुनेंगे। हम लोग को पता नहीं है, एक तरह का मुझ पर यह लांछन लगा रहा था, आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही पर एक लांछन लगा रहा था कि ये मादक पदार्थ प्रयोग करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे मैं उसको चुनौती देता हूँ, जांच करा ले। पुलिस की दम पे गुंडागर्दी हो रही है, किसी को नशे बात बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, सिर्फ लाठी चार्ज करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अगर इनमें जरा सी भी अगर अंदर में कुव्वत है, हिम्मत है, ईवीएम हटा दे, ईवीएम से हटा दे, ये सब सेटअप है भाई साहब। आप पंजाब में जीते तब ईवीएम खराब नहीं थी, ये सब सेटअप है भाई साहब, ये सब सेटअप है। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, दिया बीजेपी तो बोल रही थी, बोल दिया ना जुमला। वाह भाई वाह, वो बोले तो साहूकार, हम बोले तो चोर, वो बोले तो साहूकार और हम बोले तो चोर। जातियां चलाने की, जान बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है आज भी माशाला बनाने की, हिम्मत हौसले बुलंद है हमारे, अभी हम खड़े हैं। ये बौखलाहट है इनकी, ये बौखलाहट है। सच्चाई बोलने वाला इंसान उन्हें कड़वा लगता है, सही बोलने वाला इंसान उन्हें। ईडी ने तो कार्रवाई की है ना, तो ईडी ढूंढ के दिखाया ना, ईडी ढूंढ के दिखाया ना। और छप्पन कहा चला जाता है जब ये बोलते 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा, वो छप्पन कहा चला जाता है जब मणिपुर सताया जाता है, वो छप्पन कहा चला जाता है जब उत्तर प्रदेश में लड़के सताई जाती है। कहां ये 56 इंच का सीना चला गया था, क्या था ये बताइए। जब दो लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया, उस समय ये खुद सम्मान नहीं था, शादी करने वाले कहां चले गए थे, कहां चले गए थे मोदी जी। ये कहते हैं मोदी तेरी जुल्म की असली को ये जाली हम मिटा देंगे, जो जुबा से कहीं उसे करके दिखा देंगे, हमारे सामने क्या हस्ती है जेल खानों की, अपने वतन के वास्ते हम सूली पे चढ़ के दिखा देंगे, कार्यकर्ताओं को अंदर डाल देंगे। अरे क्या अभी चलते, चलो किसे चलना जेल में, अभी डाल दो अंदर, क्या बात है अंदर कौन सा है वो पता रही है, हमने टैक्स दे रखा गवर्नमेंट को, वो भी हमारी प्रॉपर्टी चले जाएंगे, क्या बात है। बीजेपी के कह रहे हैं नंबर केजरीवाल का है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों केजरीवाल हो चुके हैं, करोड़ों संजय सिंह हो चुके हैं, करोड़ों मनीष सिसोदिया हो चुके हैं, करोड़ों के नाम है सत्येंद्र जैन जी, आपके ऊपर से नीचे तक के तो बड़े बड़े नेता जेल में जा लिए। अरे कोई नहीं, सारे बड़े हैं, जितने बड़े हैं सारे बड़े हैं, किसमें क्या बात है, ये बताओ, ये बताओ, मैन तो मैन चीज जड़े है, सब हम भी जाने को तैयार है, भेजो सच्चाई के साथ, तो फिर जेल में जाके सब चुप हो जाते हैं, उसी लोगों से कहां चलना, चल जेल में चुप होकर दिखा दो मेरे को, चल कोई वो भी जा चुप क्यों, जेल सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया सभी आएंगे, अभी ठहर जाओ, शांति रख लो, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 प्रधानमंत्री, हां प्रधानमंत्री मोदी जी का, अरे वो क्यों नहीं है, मोदी है क्या चीज है, बीजेपी और कांग्रेस अन्ना दल को अगर जीत है, जातियां चलाने की, जान बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जीत है आज भी माशाला बनाने की, हिम्मत हौसले बुलंद है हमारे, अभी हम खड़े हैं, मोदी जी का 56 इंच का चिल्लाने से कुछ नहीं होता, केजरीवाल जो प्रधानमंत्री बनाने की, भारत माता की जय, केजरीवाल जी जिंदाबाद, चाचा सिंह जी जिंदाबाद, ताऊ चिल्लाने से कुछ ना होता, ताऊ चिल्लाने से कुछ ना होता, कहने के क्या करना बोलो, चिल्लाने से करके दिखाएंगे, करके क्या करना बोलो, अभी वही करके, संजय सिंह भी चिल्लाते थे उनकी संसद सदस्यता, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई सच्चाई से जो है ना चुप नहीं रहेगी, सच्चाई बोलेगी। आपका अभी संसद बनाया है, हाँ। आपने बनाया ना, हाँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, हाँ। उन्होंने कहा संसद का गरिमा बनाना चाहिए, संजय सिंह ने आवाज उठाया, हाँ। उनको बर्खास्त कर दिया, हाँ। दम है तो विद्रोह को बर्खास्त करके देखे, हाँ। जान जाऊंगा जो अपने बाप के औलाद है, हिंदुओं के हित में बात कर रहे हैं, हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम बेटा कहाँ है, हिंदू क्या एक चाह हिंदू पे जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, हिंदू राष्ट्र बना रहे हिंदू पे एक चीज बताओ, देश के राष्ट्रपति मुसलमान प्रधानमंत्री सिख, तब हिंदू खतरे में नहीं, आज हिंदू खतरे में है तो चूल्हू पर पानी में डूब जाओ तुम लोग, लड़ाने का काम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक ही है, अपने हिंदुस्तान जब आजाद किया था ना, जब सबने मिलकर एकजुट होके जब हिंदुस्तान को आजाद किया, अगर अगर आज हिंदू खतरे में है तो अदर जातियों क्या क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड दे रखा हर बंदों को, ये बताइए, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे क्या, मेरे को क्या नाम है, ब्लैक बेल्ट दे रखे हैं, फाइटर दे रखे हैं अच्छे चलाने के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं अगला नंबर केजरीवाल, अरे अगला नंबर केजरीवाल का, इसलिए वो उनके ठान के बैठे हुए हैं क्योंकि वो डबोखले हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, मोदी जी डर गए, मोदी जी और क्या, डरे हुए, ये बौखलाहट है इनकी, ये बौखलाहट है, सच्चाई बोलने वाला इंसान उन्हें कड़वा लगता है, सही बोलने वाला इंसान उन्हें, ईडी ने तो कार्रवाई की है ना, तो ईडी ढूंढ के दिखाया ना, ईडी ढूंढ के दिखाया ना, आप मुझे बताइए, आप पत्रकार है, कोई मिली, कोई जो सरकार जो पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वही भ्रष्टाचार मिली, अरे तो भ्रष्टाचार कहाँ है, दिखाइए तो पहले, सीधा चैलेंज करते हैं, आप दिखाइए, आप दिखाइए तो पहले, आप क्यों बोल रहे, आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप जुमलेबाजी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, जुमलेबाजी क्यों लगा कर रहे, नहीं मिला फिर क्यों ले, सब कुछ आज आज दिल्ली की प्रशासन उनके साथ नहीं है, दिल्ली की प्रशासन उनको दी नहीं गई, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते सब कुछ उनके हाथ में होना चाहिए, आज तक उनके हाथ में भी प्रशासन नहीं दिया गया, पहले भी नहीं दिया गया, डर है ना इसी बात को, नहीं दिया गया डर है, 56 इंच का सीना है गुरु, कहाँ डर, 56 इंच कहाँ भैया, कहाँ 56 इंच है, जरा दिखा दो, वो 56 इंच कहाँ चला जाता है, जब ये बोलते 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा, वो 56 इंच कहाँ चला जाता है, जब मणिपुर सताया जाता है, वो 56 इंच कहाँ चला जाता है, जब उत्तर प्रदेश में लड़के सताई जाती है,
कर रहा था। बीजेपी के शासन में गलत हो रहा है भैया, आप बताओ ना ये 56 इंच कहाँ चला जाता है जब महिलाएं सताई जाती है, लड़कियां लड़कियों को बलात्कार होता है। सम्मान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं तो किसी का सम्मान में बने महिलाओं को बिना दंड दिया गया, कहाँ ये 56 इंच का सीना चला गया था ये बताइए। जब जो लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया उस समय खुद सम्मान शादियों करने मोदी जी कैसे काम चलेगा आप इतना? अरे भाई साहब काम कैसे चलेगा क्योंकि इन्होंने आंखों में पट्टी बांधी, दूसरे की गृहस्थी को क्या समझेगा? आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर इतना गर्स है कि आप इनका इंटरव्यू ले सके? आपके अंदर इतना गर्स है जैसे आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में घुस के हर नेताओं से पूछ ले रहे हैं? देते हैं कहाँ दे रहे हैं? मन की बात करते हैं, हम भी मन की बात करेंगे बैठ के। क्या हम भी मन की यूट्यूब चला रहे हैं? हम चाहते हैं हम हवाई जल उड़ाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया मन की बात से तुम्हारा कुछ होने वाला? इनका दुख कौन सुनेगा? मेरा दुख कौन सुनेगा? इनका कौन दुख सुनेगा? इनका कौन सुनेगा? मन की बात राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के बारे में सोचे, एक राजा का कर्तव्य नहीं होता वो मन की बात कहे? तो प्रधानमंत्री देश इतने काम कर रहे हैं जी, तो हमारे पास समान है, हमारे इस पूरे देश के अब्बा हैं, तो अब्बा जी अपने मन की बात बोलेंगे, बच्चों की बात नहीं सुनेंगे? बच्चों की बात नहीं सुनेंगे? मणिपुर चल रहा है, मणिपुर रो रहा है, वहाँ के बारे में नहीं सोच रहे हैं? मणिपुर के बारे में अपना बोल करके अपने मन की बात बता रहे जी। तो कह रहे कांग्रेस से देश चलेगा, मन की बात से देश चलेगा, तो भ्रष्टाचार करना सही है? भ्रष्टाचार खत्म हुआ मुझे गिनवा दो आप। उत्तर प्रदेश चलिए मैं दिखा दूं आपको, बेचारी छोटी लड़कियों को सताया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लड़की बालिक नहीं है लेकिन उसको मार दिया जा रहा है, और भाजपा के ही लोग मार रहे हैं। जीत कैसे? अरे जीत इसलिए रही है, मैं अभी बोल दूं आपको, अगर इनमें एक मिनट दूं, अगर इनमें जरा सी भी अगर अंदर में कुव्वत है हिम्मत है तो ये करा ले, ईवीएम हटा दे, ईवीएम से बैलेट, ईवीएम से हटा दे, ये सब छटा पे भाई साहब, आरोप, ये सब छटा आरोप नहीं है, किस बात का आरोप? आरोप आरोप की बात कैसे बताइए? कैसे आरोप लगा दिया हमने? हमें पूरे दिनों से आपकी सरकार बनती है, आप पंजाब में जीते तब ईवीएम खराब नहीं थी? ये सब छटा पे भाई साहब, ये सब छटा पे, ये सब छटा पे खराब होती थी, दिल्ली में जीते ईवीएम, जिसने ईवीएम बनाया क्या वो, एक मिनट ये मुझे बताइए, जिसने ईवीएम का आविष्कार किया क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, मैं इतनी ज्यादा आबादी में ईवीएम है भाई साहब? वाह भाई वाह, ज्यादा आबादी क्या पहले नहीं थी क्या? पहले नहीं थी क्या? अरे भाई साहब पंजाब में जीतते तो ईवीएम सही है? हाँ क्यों नहीं भाई, ईवीएम की वजह से जीतते तो ईवीएम सही है? मैं अपने वार्ड से प्रत्याशी के तौर पे उतरा था, वहाँ पे इतनी ज्यादा दादागिरी हुई है तो मैं बता सकता हूँ आपको, तो बाहर गए तो ईवीएम खराब? अरे क्यों नहीं भाई, अरे क्यों नहीं, अरे ये बताइए ये नाम पृथक कराए गए और बाहर तो इसलिए ईवीएम खराब है? क्या ईवीएम सही है? इसलिए ऐसा नहीं है, बैलेट भी कराइए ना आप, बैलेट से चुनाव? हाँ क्यों नहीं चाहते, 100% जाते हैं, अगर इनके अंदर गर्स है हिम्मत है तो पूरे प्रदेश पूरे देश का चुनाव ईवीएम बजाय। तो कह रहे 300+ लेके आ रहे हैं, तो 300+ लेके आए, वेलेट लेके आइए, वेलेट लेके आइए, हम जान जाएंगे आप। संजय सिंह दोष है? बिल्कुल नहीं दोष है वो, आप अगर ये बताइए अगर वो दोषी हैं तो खाली शब्दों में आप पकड़ लेंगे? किसी ने बोल दिया हाँ भैया वो कौवा तेरा कान ले गया, तो आप पकड़ कौवे को पकड़ेंगे या अपना कान चेक करेंगे? बताया है कि क्या कोई सबूत है आपके पास सिर्फ बोलने के अलावा? ईडी एक देश की जिम्मेदार संस्था है। अरे ईडी एक जिम्मेदार संस्था है, भरोसा नहीं ये ईडी एक जिम्मेदार संस्था थी, अब है नहीं, ईडी पे भरोसा है नहीं, नहीं है, सीबीआई नहीं है, सीबीआई पे भी नहीं, नहीं है भाई साहब, नहीं है। हमें कैसे होगा ये बताइए, कैसे होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों को नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना निष्पक्ष जांच होगी, कहां हो रही है तो बताइए। अभी हम लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े प्यार से शकुनता से सलीमता से कर रहे थे, प्रशासन हम पे लाठीचार्ज कर रहा है, क्यों कर रहा है? सब आंदोलन नहीं, हम लोग बीजेपी वाले करते तो उनको ये बताइए, हम लोग उपद्रवी हैं? अरे सकून से हम अपना अपनी बात अपनी बात नहीं रख सकते? हम तो कलम के सिपाही है, हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग उपद्रव नहीं है। और एक दरोगा मुझ पर ये लांछन लगा रहा था, आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही पर एक लांछन लगा रहा था कि ये मादक पदार्थ प्रयोग करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अरे मैं उसको चुनौती देता हूँ, जांच करा ले, जांच करा ले, जांच करा ले, वो ऐसी बात करता है? तो आंदोलन में थोड़ा शांति प्रिय रहता है? शांति प्रिय तो है, प्रोटेस्ट आप धक्का मुक्की करोगे, हमारी माताएं बहनों का गर्दी कर रही है ये सरकार, पुलिस की दम पे गुंडागर्दी हो रही है, किसी को नशे बात बताया जा रहा है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, सिर्फ लाठी चार्ज करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं इन लोग, हम लोगों को सिर्फ सताने का काम किया जा रहा है, हम लोगों ने पूरे देश की जनता को सताने का काम किया जा रहा है। बीजेपी क्या कह रहे हैं, अगला नंबर जो सरगना है केजरीवाल उसको अरेस्ट किया जाएगा, तो हम लोग भी जेल भरो आंदोलन करेंगे, सरगना देख लेंगे। सरगना का पहले नाम तो लेके आइए उसके बाद बात करिएगा, सरगना का नाम लेके आइए उसके बाद बात करिएगा, अभी अभी कोई सबूत नहीं है इनके पास, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ना सबूत के लेके आप दिखाइए ना कहाँ है आपके, आपको जानकारी है उसके बारे में कुछ, अगर है तो दिखा दीजिए। तो बीजेपी वाले क्यों बोल रहे हैं? तो ये तो उनका काम ही है, उन्होंने तो ये भी बोला था, एक झूठा पार्टी है बीजेपी ने, तो ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, दिया बीजेपी तो बोल रही थी, बोल दिया ना जुमला, वाह भाई वाह, मतलब वो बोल रहे आप लोग, ये सच्चाई भारत के सामने संवैधानिक स्तर से क्यों नहीं दिखाई गई? इंडिया के सामने बोल रहा है वो, बोले तो ठीक है, बोले तो गलत, ये अच्छा है, वो बोले तो साहूकार, हम बोले तो चोर, वो बोले तो साहूकार और हम बोले तो चोर, ये कैसी बात हुई भाई?
सब देश तरक्की कर रहा है। कितना गलत तरक्की कर गया मुझे बताइए। जो लोग मजदूरी कर रहे थे, जो लोग मजदूरी कर रहे थे, बेचारे गरीब जनता की बात कर रहा हूँ, कि जो लोग मजदूरी कर रहे थे उनकी सैलरी 6,000, 7,000, 5,000 ऐसे थी। आज की डेट में मुझे बता दीजिए किसी की सैलरी 20,000 या 25,000 उठा रहा हो, कोई उठा रहा है क्या? इन्होंने बोला कि भैया एक रोजगार खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम पूरा खत्म हो गया। सबसे पहली बात तो इन्होंने अग्निपथ का जो एक पैकेज निकाला, ये सबसे घटिया काम किया, पूरे युवाओं को जीवन खत्म कर दिया इन्होंने। अग्निवीर योजना लाए, क्या मतलब अग्निवीर? वो एक सिपाही रात में, सुनिए, रात में वो व्यक्ति 2:30 बजे 3 बजे अपना घर छोड़ता है, अपने माता पिता के सपने सच्चे करने के लिए, अपनी राष्ट्र की सेवा करने के लिए, बहनों बेटियों की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए, अपनी छत उसकी टूटी होती है, चोटी होती है बरसात में, उसको सुरक्षा संरक्षण करने के लिए वो सेना में जाता है, माँ भारती की सेवा करता है। आपने 4 साल का उनको लॉलीपॉप दे दिया। उनसे पूछे कभी आपको देखते हुए मिल जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग पे, सड़कों पे, मैदानों पे। वो व्यक्ति आज दौड़ना बंद कर दिया जो पहले दौड़ता था। अक्सर एक बात हो रही है कि अडानी पे सवाल किया जा रहा है, उन पे जांच या तो उनको जेल जा रहा है। अरे अडानी के विषय में तो बात ही मत कीजिए भाई साहब, क्योंकि मोदी अडानी भाई और वो दोनों मिलकर खा रहे हैं मलाई। आप क्या बात कर रहे हैं बताइए, कहाँ से उनके बजाज हो जाएगी? कहाँ से रेड हो जाएगी? आपको मिला है, मुझे मीडिया को मिला है, पूरे प्रशासन को मिला है। कौन सा आपने दिया है? मैंने नहीं दिया, ये मोदी सरकार ने आपको दिया है। बताइए कि मुझे मणिपुर का नेट क्यों बंद किया गया है? आज शांति होती है। आप ये कह रहे हैं कि यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए तो मणिपुर में नेट को बहाली करिए ना, ये झूठा छलावा करना, लॉलीपॉप देना बंद करें। चलिए ठीक है, एक तरफ कहते हैं कि जहां पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बोला है कि संजय सिंह निर्दोष हैं, उन पर जो कार्रवाई ईडी ने की है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। आप जान सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, ये भी अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक तरफ से देख सकते हैं कि अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जो अभी जिस तरह का माहौल है वो आप समझ सकते हैं। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ, मैं DS गौतम, धन्यवाद।